मेरे प्यारे साथियों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो कंप्यूटर एजुकेशन से संबंधित है। कंप्यूटर एजुकेशन केंद्रीय विद्यालय के द्वारा जो हाल ही में वैकेंसीज निकाले हैं, इसके अंदर के कंप्यूटर के क्वेश्चन 10 या 5 पूछे जाते हैं। हम बात करते हैं TGT, PGT और PRRT, किसी में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहीं 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम बात करें 10 में से 10 जो टॉप 10 क्वेश्चन होंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमारा पहला जो क्वेश्चन है कि वेट का जो पूरा नाम क्या है जो कंप्यूटर में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर में होगा हमारा वाइड एरिया टेलीफोन जो सर्विस है, इसको हम वेट्स कहते हैं। जैसे एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि वेट्स क्या है प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में, तो इस प्रकार अगला जो क्वेश्चन रहेगा हमारा कंप्यूटर में, आज हम 10 क्वेश्चन करने जा रहे हैं कंप्यूटर एजुकेशन में। अगला क्वेश्चन हमारा IC का पूरा मतलब क्या है। तो IC का जो पूरा नाम हमारा, इसमें इंटरनेशनल सर्किट, इंफॉर्मेशन सर्किट, यू कहें इंटीग्रेटेड सर्किट या इंफॉर्मेशन सेल या उपरोक्त में से कोई नहीं। यह हम कितने ऑप्शन दे रखे हैं, इन्होंने 4 ऑप्शन दे रखे हैं और हमने इसमें क्या करना है कि एक को राइट आंसर चूज करना है। इंटरनेशनल सर्किट ये हमारा नहीं हो सकता, इंफॉर्मेशन सर्किट ये हमारा नहीं हो सकता, इंफॉर्मेशन सेल हमारा नहीं हो सकता, ये तो किसी का ऑप्शन है ही नहीं। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा इंटीग्रेटेड जो सर्किट है, IC का पूरा नाम बनता है। अगला क्वेश्चन बात करें कि पैम की, जैसे रैम रोम होता है उसी प्रकार कंप्यूटर में एक पैम होता है, उस पैम की हमें फुल फॉर्म बतानी है जो आपकी आगामी परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। पैम एडिट मॉडल्स, पल्स ऑटो मोड्स, पैकेज ऑल मोड्स या यू कहें पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशंस। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा पहला ही ऑप्शन इसका राइट रहेगा, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय के द्वारा अभी हाल ही में TGT व PGT की वैकेंसीज आई हैं, PRRT के, उसमें कंप्यूटर एक अच्छा खासा लेवल में पूछा जाता है। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हम बात करें प्रॉप्स का पूर्ण रूप क्या है। देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा कि इसमें पूछा गया फ्लॉप्स होता है उसका पूर्ण रूप क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इसमें बताया गया है कि कंप्यूटर एजुकेशन में जो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, फ्लोटिंग अपॉइंटमेंट ऑपरेशंस प्लस सेंट या यू कहें फ्लोर प्लस ऑडिट सेकेंड या यू कहें फास्ट पॉइंट ऑपरेशन शॉर्ट, ये विभिन्न प्रकार के जो होते हैं। और इसमें हमें क्या कहें जो फ्लॉप्स हैं इसका जो पूरा नाम है हमें इसके बारे में डिस्कस करना है। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड इसका क्वेश्चन बनता है, फर्स्ट हमारा ऑप्शन आएगा तो इसका आंसर फर्स्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा MISD मिस्ट का पूरा नाम क्या है कंप्यूटर एजुकेशन में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि कंप्यूटर एजुकेशन एक मॉडर्न युग में या आधुनिक समय में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है इसका। इसमें पूछा गया हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मोर इंटरेक्शन सुरान डाटा, मल्टीपल इंटरेक्शन सिंगल डाटा, मोर सरेबल्स इंटरेक्शन डाटा या मनी इंटरेक्शन सिंगल डाटा। तो हमारा इसका ऑप्शन रहेगा, राइट आंसर हमारा है इसका मल्टीपल इंटरेक्शन सिग्नल डाटा, जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा SMPS का पूरा नाम क्या है। तो देखिए आज हम इसके जो पूरे नाम है इसके बारे में बात करेंगे, जो क्योंकि हम 10 क्वेश्चन पर डे के अकॉर्डिंग हम डालेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आज का जो क्वेश्चन है, आज की पहली जो वीडियो है, आज डे फर्स्ट है और हम इसके अंदर पहली वीडियो के अंदर डाल रहे हैं SMPS का पूरा नाम क्या है। सर्विस मैक्ट पावर स्टॉप, स्विच मोड पावर सप्लाई, मेन पावर सप्लाई, यू कहें सेव पावर मेन सप्लाई, कौन सा इसका मेन पॉइंट माना जाता है। तो मेरे साथियों इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा 6 का, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है इसका स्विच मोड पावर सप्लाई इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा इसी का बाद VGA का पूरा नाम क्या है। तो कंप्यूटर एजुकेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो हम बात करें कि VGA मोड्स का पूरा नाम क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला दे रहा है वीडियो ग्राफिक्स एरे, वीडियो ग्राम एरिया, वीडियो वुड अडोबर्स,
विजुअल ग्राफिक्स एसेक्स। तो ऐसे जो नेम हैं जो आपको बार बार सुनने से देखने से, ये जैसे कई जो हमारे साथी हैं उन्होंने ये जो नाम है ये पहली बार सुना हुआ, क्योंकि ऐसे साथी हमारे जो केवीएस का फॉर्म डाल रखे हैं उन्होंने, तो कंप्यूटर से अभी दूर हैं थोड़ा सा, उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम होती क्योंकि इसमें अधिकतर जो स्टूडेंट हैं हिंदी माध्यम के हैं और इंग्लिश मीडियम के हैं, उनको तो पता ही होगा जिन्होंने बीएससी या एमएससी इन कंप्यूटर साइंस से किया है। तो हम ऐसे विद्यार्थियों को टारगेट रख रहे हैं जो गांव के जैसे हम जैसे हैं, गाँव के से संबंधित रखने वाले विद्यार्थी हैं, और उनको एक कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इंग्लिश भाषा को हिंदी भाषा में सरल रूप से पढ़ा रहे हैं। और ये आपका हम चाहते हैं कि आपके लिए भी बेहतर हो और हमारे लिए भी बेहतर हो। तो हमारा जो पूरा वीडियो ग्राफिक्स है अपना वीजीए का पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन है पीडीपी, पीपीपी तो पीटीपी होता है या इसमें पीडीएफ होता है, इसमें उसी प्रकार एक होता है पीडीपी। पीडीएफ तो होता है आपको पता है, पीडीएफ पर कोई किसी भी डॉक्यूमेंट्स की है कोई फोटोकॉपी हमें मंगवानी है तो पीडीएफ होता ही है, उसी प्रकार पीडीपी का पूरा नाम क्या है इसके बारे में हमने बताना है। तो पीडीपी प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल्स होता है, इसका पीडीपी का पूरा नाम है क्या है, प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल होता है, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा डीएनएस, डीएनएस का पूरा नाम क्या है, हमारा क्वेश्चन 9 का है। तो डीएनएस जो कंप्यूटर यूज वगैरह करते हैं, डोमेन्स नेम सिस्टम, डीएनएस का पूरा नाम है, ऑप्शन हमारा सही रहेगा, डीएनएस का डोमेन्स नेम सिस्टम इसका राइट आंसर है। और आज का अंतिम जो क्वेश्चन हमारा वे क्वेश्चन है आईआईडीसी का पूरा नाम क्या है, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। जो आईआईडीसी का जो पूरा नाम है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका जो पूरा नाम है इंडियन इंडिया डायरेक्टर सेंटर, इंडियन इंस्टीट्यूट डिजाइन सेंटर उपयुक्त सभी, या इंटेल इंडिया डेवलपमेंट सेंटर, हमें इसका राइट आंसर हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा रहेगा इंटेल इंडिया डेवलपमेंट सेंटर। इंटेल क्या है, इंटेल एक फ़ोन का से कंपनी है, कंप्यूटर्स के कंपोनेंट्स वगैरह बनाती हैं, आजकल तो मोबाइल्स भी आ चुके हैं इंटेल के। तो इंटेल इंडिया डेवलपमेंट सेंटर बनाया गया है, ये एक विदेशी कंपनी है और इसका पूरा नाम आईआईडीसी का पूरा नाम है इंटेल इंडिया डेवलपमेंट सेंटर। तो भाई ये आपको वीडियो कैसी लगी है कंप्यूटर के बारे में, और हमारा एक छोटा सा प्रयास है